तो यहां तक हम मैन 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 टाइप के जो सेल ऑर्गेनल है वो सारे स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद में क्या बचा आपके एंडोस्केलेटन। तो आपने अब तक कौन कौन से सेल ऑर्गेनल पढ़ लिए? सबसे पहले आपने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमने स्टडी की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नेक्स्ट गोल्जी बॉडी। उसके बाद में हमने स्टडी की थी लाइसोसोम की। लाइसोसोम के बाद में हमने स्टडी किया था वैक्यूल्स। दीज आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। इसके बाद में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दिस बोथ आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और इसके बाद में हमने प्रोटीन सिंथेटिक सेल ऑर्गेनल की स्टडी की, दैट इज राइबोसोम। सो यहां तक आपको एनी डाउट इन ऑल सेल ऑर्गेनल? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एंडोस्केलेटल सेल ऑर्गेनल्स की। तो एंडोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन भी हम इसे कह सकते हैं, साइटोस्केलेटल। सो साइटोस्केलेटन में हम मेनली स्टडी करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये कहां पे प्रेजेंट होंगे? इन द साइटोप्लाज्म। और ये क्या करेंगे? साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगे। दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुल्स, फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स को अटैच करने का काम करेंगे, ठीक है। सो हमने इन्हें क्या कहा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से होता है जिसे हमने क्या नाम दिया था? ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड फ्रॉम द ट्यूबुलिन प्रोटीन। And these are present in the cytoplasmic matrix. So, microtubules की जो structure होती है mainly कैसी होगी? Hollow structure. These are the tubular like structure and कैसे होंगे ये? बीच में से hollow, ठीक है। So, these are the cylindrical and unbranched structure और बीच में से कैसे हैं ये? Hollow. एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में आपको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में दिखाई देंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमें छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस तरह से छोटे छोटे जो है ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। और इसके बाद में हम देखें इनका फंक्शन क्या होता है, द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सो सेल ऑर्गेनल का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से मेनली जो है। दीज आर हेल्प इन टू द सेल डिविजन।
सेल डिवीजन में जब प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जब सेल डिवाइड होती है तो उसमें बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्मिक प्लेट का। तो उस प्लेट का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, माइक्रोट्यूबुल्स के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, दैट इज हेल्प इन द सेल डिवीजन। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स आर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन भी कौन करेगा, माइक्रोट्यूबुल्स। सो सीलिया एंड फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, सो माइक्रोट्यूबुल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स आर द ऑटोफेजिक मूवमेंट, इन क्रोमोसोम। तो जब हम लास्ट में क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर एक मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजिक मूवमेंट। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन द प्लांट सेल। हमने प्लांट सेल में देखा था कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, गोल्जी बॉडी से। ठीक है, और गोल्जी बॉडी की हेल्प कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो इन द प्लांट सेल जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा वो किस किस से होगा, गोल्जी बॉडी प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट साइटोस्केलेटल ऑर्गेनेल, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। सो यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया। सो माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल ओनली, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, बट दीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो भी सेम माइक्रोट्यूबुल्स की तरह स्ट्रक्चर होती है, दीज आर ऑल्सो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। और ये भी कहां पे मिलेगी हमें, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज इन द कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ऑफ सेल, तो सेल के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम होता है या सेल के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, इन सम सेल सेल्स किसका फॉर्मेशन करेंगी, स्यूडोपोडिया का।
सो जो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी किसके थ्रू होगा, माइक्रोफिलामेंट्स की थ्रू, ठीक है। और ये स्यूडोपोडिया जो है ये क्या करेंगे, जब सेल में एक्सक्रीशन होता है या फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, या हम इसे बोल सकते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस की टाइम पे जब स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा तो ये किसके थ्रू होगा, माइक्रोफिलामेंट्स की थ्रू, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ साइटो माइक्रोफिलामेंट्स। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन द एंडोस्केलेटन। दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, दीज आर ऑल्सो अ हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। बट माइक्रोफिलामेंट जो है वो कैसे होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल ना होकर के कैसे होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स बट द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर non-contractile filaments and these are